हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम बिजनेस लोन के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हो कि हमने हमारी इस चैनल के माध्यम से आपके लिए काफी सारे ऐसे वीडियोस बनाए जिसके अंदर मैं आपको अलग अलग तरह के बिजनेस आइडिया के बारे में बताता रहता हूँ। पर दोस्तों, उनमें से काफी सारे वीडियोस के नीचे आप में से काफी सारे लोगों की मुझे कमेंट देखने को मिलती है, जहां पर आप बताते हो कि सर, हमें बिजनेस तो स्टार्ट करना है पर बिजनेस करने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो दोस्तों, अगर आपको भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो ऐसे में आपने बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर क्लिक करा है, क्योंकि दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको काफी सारे ऐसे तरीके बताने वाला हूँ जिसकी मदद से आपको अपने बिजनेस के लिए लोन बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो हम देख लेते हैं। तो देखो दोस्तों, आप में से काफी सारे लोगों को अपना नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोन की जरूरत है, और काफी सारे लोग ऑलरेडी अपना बिजनेस कर रहे हैं और उस बिजनेस को ग्रो करने के लिए उनको लोन की जरूरत है। तो सबसे पहले तो यार, इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको बिजनेस लोन की क्यों जरूरत है। और दोस्तों, उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि आगे जो भी मैं आपके साथ तरीके शेयर करने वाला हूँ, वो सारे तरीके आप दोनों लोगों के लिए होने वाले हैं, यानी कि आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो या फिर रनिंग बिजनेस को ग्रो करना चाहते हो। तो ऐसे में यार, प्लीज इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखो दोस्तों, किसी भी बिजनेस के लिए लोन लेना बुरी बात नहीं है। यार, आपने आज के टाइम पर काफी सारी जगह पर सुना होगा कि यार लोन लेके खुद का बिजनेस नहीं स्टार्ट करना चाहिए। पर पर्सनली मेरा तो यही मानना है कि यार आज के टाइम पर लोन लिए बिना बिजनेस चलाना इम्पॉसिबल बन गया है, और खास करके जो स्मॉल या फिर मीडियम बिजनेसेस होते हैं उनके लिए तो लोन लेना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, बहुत ही ज़्यादा जरूरत वाला बन जाता है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी गवर्नमेंट भी काफ़ी सारी ऐसी स्कीम निकाल दिए जिसकी मदद से मीडियम और स्मॉल बिजनेस को लोन बड़ी आसानी से मिल सके। इनमें से दोस्तों, आपने एक लोन का नाम हर जगह पर जरूर सुना होगा जो कि हमारी गवर्नमेंट खुद आपको प्रोवाइड करवाती है, जिसका नाम है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत आपको अपने बिजनेस के लिए 10 लाख रुपए तक का लोन मिल सकता है। तो दोस्तों, इस तरह के काफी सारे अलग अलग लोन के तरीके होते हैं, अलग अलग तरीके की लोन रहती है। तो ऐसे में तो यार, सबसे पहले तो मैं आपको एक ही बात क्लियर करना चाहता हूँ कि अपने बिजनेस के लिए लोन लेने से पहले आपको ये जान लेना चाहिए कि आपके बिजनेस को किस तरह की लोन की जरूरत है। तो दोस्तों, अगर हम आज के टाइम पर खास करके बात करें तो आपको अपने बिजनेस के लिए सिक्योर्ड लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, गोल्ड लोन, इनवर्स डिस्काउंटिंग और अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिल सकती है। ये वो तरीके हैं जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के लिए पैसे ले सकते हो। दोस्तों, खास करके अगर हम बात करें अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन के बारे में, तो ये बिजनेस लोन उन सभी लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा काम का साबित हो रहा है जिनके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है कोलेट्रल के तौर पर, यानी कि सिक्योरिटी के तौर पर रखने के लिए। क्योंकि जब भी आप कहीं पर भी लोन लेने के लिए जाते हो तो नॉर्मली वो आपसे पूछते हैं कि आप गिरवी क्या रखोगे, सिक्योरिटी में आप क्या रखने वाले हो। तो ऐसे में अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऐसे में आपके लिए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन सबसे हेल्पफुल साबित हो सकती है। तो दोस्तों, अगर आपका बिजनेस 2 साल या फिर उससे ज्यादा पुराना है, आप उससे ज्यादा टाइम से इसे ऑपरेट कर रहे हो, तो ऐसे में आपको अपने बिजनेस के लिए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन मिल सकती है। क्योंकि दोस्तों, अपस्केल के प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने बिजनेस के लिए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन बड़ी आसानी से ले सकते हो। अपस्केल बाय क्रेडिबल एक सुपर ऐप है जहां से आप अपने बिजनेस के लिए 50 लाख रुपए तक का अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले सकते हो। दोस्तों, अभी आप सोच रहे होंगे कि इस बिजनेस लोन को लेने के लिए आपको बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा, आपको बहुत ही ज्यादा चक्कर काटने पड़ेंगे, यहां तक कि यार आपको बहुत ही ज्यादा पेपर वर्क करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ऐसा यहां पर बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि अपस्केल बाय क्रेडिबल से लोन के लिए अप्लाई करना एकदम आसान है। यहां से अगर आप अपने बिजनेस के लिए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन लेना चाहते हो, तो इसके लिए सिंपली आपको सबसे पहले अपने बिजनेस का जीएसटी नंबर चाहिए। सेकंड नंबर पर आपको अपने बिजनेस का जो करंट अकाउंट होता है उसका टोटल 12 महीनों का स्टेटमेंट चाहिए होगा, और उसी के साथ साथ में उसका सिबिल स्कोर 650 होना जरूरी है। और अगर आप अपने बिजनेस का सिबिल स्कोर चेक करना चाहते हो, तो ऐसे में आपको इन्हीं के प्लेटफॉर्म पर एक फ्री टूल यूज करने के लिए मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस का सिबिल स्कोर चेक करके यहाँ से लोन के लिए बड़ी आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों, कुछ इस तरह आप भी अपस्केल के अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन की मदद से अपने बिजनेस को ग्रो करवा सकते हैं। और दोस्तों, इतना ही नहीं,
जॉबस्केल के प्लेटफॉर्म की मदद से आप अपने बिजनेस के अंदर जो रुकी हुई पेमेंट होती है उसके अगेंस्ट भी लोन पा सकते हो। क्योंकि दोस्तों कई बार क्या होता है कि आपकी जो भी पार्टीज होती है, जो भी वेंडर्स होती है, वो आपको टाइम पर पेमेंट नहीं करते, बट आपको अपने बिजनेस के अंदर तुरंत पैसों की जरूरत रहती है, पेमेंट की जरूरत रहती है। तो ऐसे में अगर आपके पास किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी या फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का इनवॉइस है, यानी कि आपने उस पार्टी को माल सेल कर दिया और उसका आपने इनवॉइस बना दिया है, तो ऐसे में इस इनवॉइस को एज अ कैलेट्रोल यानी कि एज अ सिक्योरिटी के रूप में आप अपस्केल के प्लेटफॉर्म पर रख सकते हो और यहाँ पर आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग फीचर्स की मदद से यहाँ से लोन ले सकते हो। तो दोस्तों इसका लिंक मैंने आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो यहाँ पर आप तुरंत जाके अपने बिजनेस के लिए अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन ले सकते हो अपस्केल बाय क्रेडिबल से। तो दोस्तों ये है वो कुछ तरीके जिसकी मदद से आप अपने बिजनेस के लिए लोन ले सकते हो। तो दोस्तों यार अभी देर किस बात की, अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है या फिर अपने रनिंग बिजनेस को ग्रो करना है, सबके लिए लोन बड़ी आसानी से मिल सकता है। तो जल्दी जाइए, लोन के लिए अप्लाई करें और अपना बिजनेस ग्रो करें। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आज का ये वीडियो आपके लिए जरूर हेल्पफुल साबित हुआ होगा। वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना, इस वीडियो को शेयर करना। चलिए दोस्तों मैं आपसे फिर मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ।